मैं चेंज करता जाऊंगा और आप लोगों ने बताने हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर साउंड आता था। लॉन्ग एससी प्रोजेक्ट, इसका भी सुन लेते साउंड। और टाइटेनियम में क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है, फोर प्रोटेक्शन लग चुके हैं, फोर स्लाइडर लग चुके हैं, मिरर लगाए डाउन करके, लीवर गार्ड वगैरह हो गए। ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा साउंड को रोकता है भाई, और बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इससे बाइक और ऊपर से लगाएंगे इसमें एग्जॉस्ट। यहाँ कौन सी बाइक, मतलब कौन सी शॉप ट्रस्टेड है, क्या है? तो मैंने आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप देखने के बाद आपकी शॉप का काम देखा, बहुत क्वालिटी काम होता है और भैया की नेचर भी बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ NS 400 पर, NS 200 पर, NS 125 पर भी। तो आज का जो सिनेरियो है वो है NS 400 पर। आपको एग्जॉस्ट का साउंड ट्राई कराऊंगा, बेसिक से लेकर टॉप नॉच मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि लुक को इनहेंस करेंगी, इसकी सेफ्टी करेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक अपने पास यहाँ पर है, तो जो बाइक है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसमें काफ़ी सारे काम अभी चल रहे हैं, अभी इसमें मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड ट्राई कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ अभी की इसकी कंडीशन क्या है। क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है, फोर प्रोटेक्शन लग चुके हैं, फोर स्लाइडर लग चुके हैं, मिरर लगाया डाउन करके, लीवर गार्ड वगैरह हो गए। अभी इसमें बैंड पाइप और लगाना है, क्योंकि इसका जो कैटलिक कन्वर्टर था वो निकाल दिया है, यहाँ पर ही आ गया इसका। ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा साउंड को रोकता है भाई, और बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इससे बाइक का वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद लगेगा इसमें बैंड पाइप, और ऊपर से लगाएंगे इसमें एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट लगाने के बाद जो साउंड आएगा वो आप लोगों ने बताना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, वाई वाली फॉग लाइट है, तो बाइक को लगाते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी जो भैया की बाइक है उनसे ही मिलवा देंगे। फिलहाल अभी इसमें काफ़ी सारे काम और होने हैं, भाई वीडियो बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। चलो जी, तो बाइक जो है आपकी जो लेकर आए, रैंडमली लाए थे या कैसे लाए थे आप? वीडियो वगैरह देखी थी, कैसे आए थे? रैंडमली तो नहीं आया था, मैं बहुत दिनों से चेकआउट कर रहा था, कोई मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। कंपैरिजन कर रहे थे आपके, कौन सी करोल बाग की, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे कि यहाँ कौन सी बाइक, मतलब कौन सी शॉप ट्रस्टेड है, क्या है। तो मैंने आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप देखने के बाद आपकी शॉप का काम देखा, और बहुत जेन्युइन काम लगा वीडियोज़ पर भी, और वीडियोज़ के बाद जब मैं आया तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है मुझे, बहुत क्वालिटी काम होता है, और भैया की नेचर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और भैया ने राइड के लिए ऑफर कराया मुझे, बहुत बहुत थैंक यू भैया उसके लिए। ऐसी बात नहीं है भाई, आप भी आ सकते हो हमारे साथ, शॉप पे भी आ सकते हो और राइड पे भी आ सकते हो। बाइक लगाते हैं अंदर, बाकी बात करेंगे भैया से बाद में, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा काम रह गया, वो कंप्लीट कर लेते हैं। शॉप के अंदर चल के आपको साउंड सुनाते हैं एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट निकाल लेते हैं कौन कौन से हैं, और फिर आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा अच्छा एग्जॉस्ट का साउंड लगा। अब मैं आपको ट्राई कराता हूँ एग्जॉस्ट का साउंड, अभी डीवी कलर लगा दिया है हमने, अब एक ही करके एग्जॉस्ट में चेंज करता जाऊंगा, और आप लोगों ने बताने हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर साउंड आता है। तो पहले लगाया हमने ऑस्टिन रेसिंग का, स्टार्ट करो जी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आवाज़ ज़्यादा तेज रखनी है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड। तो इसका सुन लेते हैं क्रॉप अपिक का कैसा है। ये भी आई थिंक लाउड ही आएगा। ये ऑस्टिन रेसिंग आ गया, ऑस्टिन रेसिंग AR। जब बात कर लो तो ऊपर कर लेकर बाकी नीचे बताओ। चलो स्टार्ट करो। अभी फ्री फ्लो का तो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है यार, और अभी इस साइड में देखोगे तो इसमें फॉग लैंप्स वगैरह के कनेक्शन चल रहे हैं, तो मैं ये आपको फाइनल चेक करा दूंगा एक एक चीज़ कैसा लुक आ रहा है, क्या है। अगला एक और लगा रहे हैं लॉन्ग एससी प्रोजेक्ट, इसका भी सुन लेते साउंड, और टाइटेनिया में इसका कुछ लुक है। चलो जी, बेस है, मतलब इसमें ना क्या, इसमें बेस ज्यादा है,
एससी वाले में, और इसमें ये ट्रैवल ज़्यादा लाउड ज़्यादा है, थोड़ा सा चुभने वाला है। ये अगर अभी का इसका सुनते हैं, इसका देखते हैं कैसा है नोट। ये है मीवी का, इसका भी सुनते हैं साउंड कैसा है। मीवी आ चुका है, टाइटेनियम मीवी, इसका सुनते हैं साउंड कैसा है। और इन सबके डिविलर मैंने जैसे बताया खोल रखे हैं मैंने, इन सबके चलो खोल रखे हैं, इसका बेस तगड़ा है। सुन लेते हैं टू ब्रदर का साउंड सुनते हैं कैसा है। ये सब एग्जॉस्ट जो है सारे बेस वाले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाउड लगाओगे तो सर दर्द हो जाएगा। ये सारे बेस वाले ही हैं, सिर्फ इसका छोड़ के, यानी कि ऑस्टन डीसी छोड़ के। टू ब्रदर का साउंड सुनते हैं कैसा है, करना स्टार्ट। जब मैंने आपको एग्जॉस्ट ट्राई कराया थे, वो कराया था ऑस्टन रेसिंग एससी प्रोजेक्ट एक्रोपॉबिक सिक्स कट एक्रोपॉबिक टू ब्रदर, और अभी इसमें दो एग्जॉस्ट न्यू ऐड हो गए हैं, जैसे कि इसमें R9 वाला, ये ट्राई कराना है आपको, और अभी साथ ही में कराएंगे ट्राई आपको R1M। अभी ये R1M वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये R1M में आता है, तो काफ़ी सारी बाइक में काफ़ी अच्छा साउंड आता है, इसमें डीबी कलर भी मिल जाती है, तो इसका आप लुक चेक कर लो। अभी जो तुम्हारा एग्जॉस्ट है वो अंडर वैली, यानी कि दिखता ही नहीं है, आप जो हम एग्जॉस्ट लगाएंगे वो यहाँ पर बाइक की लुक को इन्हेंस करेगा कुछ इस तरीके से, जो आपने देखा होगा नॉर्मल बाइक में या सुपर बाइक में। तो अगर अंडर वैली लगाना तो अंडर वैली भी लग सकता है, उसके लिए ये बैंड पाइप लगेगा। एग्जॉस्ट लगाने से पहले मैंने आपको जब साउंड सुनाया, ये लगा के सुनाए, अभी तक जब भी आपने कोई वीडियो देखी होगी तो आपने कटिंग करके देखा, हम प्रॉपर बैंड पाइप के साथ लगाएंगे जब भी लगाएंगे आप, जब भी आप आओगे, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें और है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या। ये DRL कंपनी के हैं, ये नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से चेक करो। फोर प्रोटेक्शन से हमने लगाए हुए ताकि सस्पेंशन आपके प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि काफ़ी महंगे सस्पेंशन होते हैं, तो कभी बाइक गिरती भी है तो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्लस लुक को इन्हेंस करने के लिए आप देख सकते हो, डिज़ाइन से पता चल रहा है ये किस काम के लिए इसमें हमने लगाए हैं। कलर जो आपने लगवाना वो लगा सकते हो, फिलहाल ब्लैक में लिए हुए, तो ये पूरी किट बनती है, ये राउंड वाले एंड ये फ्लैट वाले, फोर प्रोटेक्शन एंड फोर स्लाइडर, डिस्प्ले सस्पेंशन ऑल अबाउट सेफ, ठीक है जी। क्रैश गार्ड आप लोगों को पता ही है, अंडर वैली से लेके आपका टैंक तक सेफ, ये आपका अंडर वैली आ गया, ये आपका टैंक आ चुका है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये सेफ कर रहा है आपका रेडिएटर, यहाँ से देख सकते हो। तो ये पूरा जो है आप लोगों का टेस्टेड है, फिटिंग जो है इसकी 1 2 3 4 जगह से कनेक्ट है, जैसे चेसिस से कनेक्ट है, जो काफ़ी बिल्डनेस मजबूती आ चुकी है। डबल स्लाइडर है, डबल स्लाइडर मतलब डबल सेफ्टी, सिंपल सी बात है, आप यहाँ से भी देख सकते हो 4 स्लाइडर्स में हो चुके हैं। और जो फॉगलेंस हमने लगाए हैं, ये लगाए छुपा कर ताकि किसी की नज़र ना पड़े, और नज़र पड़े तो नज़र लगे भी ना, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं, यहाँ पर सेफ रहेंगे क्लैंप के साथ। फोकस चेक करा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर इसके लिए स्विच लगाया था सिंगल। अब इसमें येलो मिल जाता है और मिलता है वाइट, अब येलो बरसातों में काम आता है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, कोहरा वगैरह आएगा ना, तो देखो नाम ही इसका फॉग है, फॉग लाइट है, तो उसी हिसाब से ये काम आता है। देखो कितना ज़्यादा डार्क है, मर्सिडीज़ वाली लाइट है, इसे वाई वाली भी कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिज़ाइन मेरे पास और मिल जाएंगे, अगर आप आओगे तो आपको दिखा दूंगा। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ें हो गई। बाकी से मिरर लगा रखे हैं डाउन करके, लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं लीवर की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि नई बाइक है, अगर इसके लीवर टूटते हैं तो आपको मिलेंगे नहीं, अगर लीवर गार्ड्स टूट जाएंगे तो मिल जाएंगे, हालांकि ये टूटने देंगे नहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे को। यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगाया है सिमटेक का हमने, जिसमें आपको चार्जिंग विदाउट चार्जिंग वाले दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, फिलहाल ये विदाउट चार्जिंग वाला है। PPF की कोटिंग फुल बाइक पे की गई है, जिसमें आपके सीट हैंडल्स वगैरह हो गए, टैंक हो गया, आगे का मडगार्ड वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें, सब चीज़ें जो है PPF में कवर हो जाती हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ वाले एग्जॉस्ट जो रह गए थे, अब R1M और ट्राई करा देते हैं आपको, और फिर देख लेना आप लोगों को कौन सा बेटर लगता है, क्योंकि फ़ोन में और रियल में यार काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके लिए लगा लो आप हेडफोन, R9 इसके ऊपर अभी एक कवर प्लेट लगेगी, जो कि इसको एकदम स्टॉक लुक आ जाएगा, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने एग्जॉस्ट वगैरह चेंज कराया, इस तरीके का ये R9 आ गया। और जितने बड़े एग्जॉस्ट लगाओगे उतने ज्यादा साउंड में बेस आएगा, जितने छोटे लगाओगे उतने ज्यादा लाउड होते चले जाएंगे।
आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके व्हील कवर वगैरह हो गए, इसमें हाफ वाले व्हील कवर लगाए हैं, रियर वाली साइड में भी देख सकते हो और फ्रंट वाली साइड में भी देख सकते हो, जो काफ़ी बल्की लुक आ रहा है इसका यहाँ से देखो, तो पूरी भरी हुई बाइक लग रही है, एक पूरी मस्कुलर बाइक बन चुकी है। छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कराते हो, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यानी कोई नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि लुक को इन्हेंस कर रहा है आपकी बाइक, और बाइक से अलग दिखती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ऐड कराते हो तो कुछ ये वाला लुक आता है। बाकी एग्जॉस्ट कौन सा आपको अच्छा लगा ये आप मुझे बता देना, या अगर आप लोगों के पास कोई और एग्जॉस्ट है, वैसा एग्जॉस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा हमारे पास।